खंडवा शहर में जल्द ही फिल्म स्टडीज सेंटर शुरू किया जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के परिसर का विस्तार करने की भी योजना है। यह बात माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने अपने प्रथम खंडवा आगमन के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। कुलपति सुरेश ने कहा कि माखन दादा की कर्म भूमि पर उनके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के कर्मवीर विद्यापीठ परिसर का भी विस्तार हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय पत्रकारों के सहयोग से ही इसे कर पाएंगे, इसके लिए जमीन भी देखी है। खंडवा प्रख्यात पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्म स्थली भी है, इसलिए इसका संबंध फिल्म जगत से भी है। यहाँ के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यहाँ फिल्म स्टडी सेंटर बनाकर पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू करने की मंशा है। इसमें लोक स्वास्थ्य को शामिल कर छात्रों को पठन करने की सुविधा मिलेगी। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। स्टडी में जो फुटबॉल के बाद जो कैंपस वो एक देश के बेहतरीन कैंप परिसरों में से एक, ये पहला। दूसरा, पोलियो में एक पोलियो जैसा एक बीमारी जिसका नाम है एएफपी, उसको हम कहते हैं एक्यूट फैसिव पैरालिसिस। आप माखन दादा की नगरी में आए हैं और कर्मवीर विद्यापीठ के एक आपने अभी एक बताया है कि नया स्वरूप में नजर आएगा कुछ ही समय बाद, तो क्या एक सर सोच है, क्या उदाहरण है और क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं? देखिए, दादा के कर्मभूमि में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने आज यहाँ परिसर का निरीक्षण किया यहाँ के अध्यापकों के साथ और हमारे जो यहाँ अधिकारी और जो हमारे स्टाफ है, कर्मचारी है, उनके साथ बातचीत की। यहाँ कुछ ज़मीनें भी हम देखने गए। हम चाहते हैं कि यहाँ एक भव्य परिसर आने वाले दिनों में तैयार हो जो दादा के सपनों के जो है उसको साकार करें। यहाँ एक पत्रकारिता शिक्षण का इसकी एक अलग पहचान बने और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये जन्मभूमि भी है मशहूर गायक किशोर कुमार जी की, तो यहाँ फिल्म स्टडीज से रिलेटेड भी, क्योंकि वो भी मीडिया का ही एक हिस्सा है, हम चाहते हैं कि एक बार हमारा परिसर यहाँ बन जाए तो हम कुछ ऐसे कोर्स यहाँ से शुरू करें जो और कहीं उपलब्ध नहीं है, ताकि देशभर के छात्र यहाँ आके खंडवा में आके जो है इसका अध्ययन करें, ताकि ये बिल्कुल ही एक अनोखा इसका पहचान बने। ये नहीं कि मात्र जो बाकी जगह ऑफर कर रहे हैं वही कोर्स यहाँ, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि राज्य सरकार के सहयोग से और यहाँ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सबके सहयोग से हम एक अच्छा परिसर तैयार कर पाएंगे और बच्चों को भी हम जो है पाठ्यक्रम बेहतर दे पाएंगे, प्रशिक्षण बेहतर दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार किया हुआ है एक पब्लिक हेल्थ यानी कि लोक स्वास्थ्य पर एक संवाद पर, संचार पर, लोक स्वास्थ्य संचार, इस पर हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को हम यहाँ के छात्रों के लिए और यहाँ के हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए हम एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने का भी हमारा योजना है, जो जल्दी ही हम लोग आयोजित करेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और बाकी मैं तो इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि हम बहुत हमारे जो है बहुत ही अच्छी सोच है खंडवा के परिसर को लेकर। यह पहला परिसर है मध्य प्रदेश में जो मैं कुलपति का परिवार कार्यभार संभालने के बाद मैं पहले दौरे पर हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है हम लोग जो है दादा के सपनों के जो संवाद को लेकर, संचार को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, सृजनात्मकता को लेकर उनकी जो सोच रही है, उनके जो विचार रहे हैं, उसके अनुरूप हम लोग जो है एक संस्था को जो है हम यहाँ खड़े कर पाएंगे। सर, आप काफ़ी इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, IIMC में भी आपने काफ़ी अच्छे प्रयास किए जी, क्या यहाँ पर एक जो विद्यार्थी हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में काफ़ी कमी मानते हैं, क्या लगता है आपको कितना कुछ? नहीं, बिल्कुल, इसमें दो हिस्से हैं, एक ढांचागत जो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो भी नया परिसर बने और अभी भी जो परिसर है यहाँ भी अगर कहीं कोई कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसको हम बेहतर करेंगे, ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करेंगे। दूसरा, यहाँ जो नवागत छात्र हैं उनको यहाँ के इंडस्ट्री में जो वरिष्ठ लोग हैं उनके सहयोग से, और यहाँ काफ़ी हमारे ही छात्र आज खंडवा में मीडिया में बहुत
वरिष्ठ पदों पर जो है आसीन है, हम उनका सहायता लेंगे कि वो जो है यहाँ हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको तैयार करें। तो इस तरीके से प्रशिक्षण और जो ढांचागत सुविधाएं, तो ये दोनों हम इसका सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारे छात्रों को जो है किसी प्रकार का अभाव न हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।